जाकल्ला बहुत खूब कलाम से हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे मोहम्मद नौमान। और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि जितने हमारे मेहमान ग्रामी तशरीफ लाए हैं, हमारे जो गर्ल्स कॉलेज पर स्कूल से हमारी मोहतर असातिज़ा तशरीफ लाई हैं, इसी तरह से हमारे मेहमान खसूसी तशरीफ लाए हैं, मेहमान एजाज तशरीफ लाए हैं, असातिज़ा ग्राम ने दूसरे स्कूल से तशरीफ लाए हैं, उनके लिए एक तशक्कुर भरा पैगाम देने के लिए आपकी भरपूर क्लैपिंग में हमारे कॉलेज की जान, हमारे कॉलेज की शान एक डेडिकेटेड इंसान मोहतरम डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब इसी फ्लाइन रखने का। अपनी फैमिली की तरक्की के लिए अपना सफर जारी जारी रख सकें।
जिससे उसकी अपनी डेवलपमेंट भी होगी, उसकी फैमिली की, और ओवरऑल इस तरह से मुल्क जो है वो खुशहाली से मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस, जब ये तो मुल्क की इंडस्ट्री तरक्की करेगी, मुल्क की इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये टू वे प्रोसेस है गवर्नमेंट का, जिससे मुल्क के अंदर मुल्क का की इकोनॉमी बेहतर होगी, गुरबत का खात्मा होगा, नौजवान सब अपने हाथों को सोने के हाथ बना के अपने और अपनी फैमिली के रोजगार का बंदोबस्त करेंगे और मुल्क की इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा। हालिया हमारा मकसद आपको यहाँ पे दावत देकर ये बताना है कि आज की यूथ को, आज की नौजवान नस्ल को आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। आप मुल्क के सूबे के खूबसूरत इदारों के अंदर असातिज़ा हैं, प्रिंसिपल साहबान हैं, हेडमास्टर साहबान हैं। नौजवान नस्ल की रहनुमाई करना, नौजवान नस्ल की काउंसलिंग करना हम सब की जिम्मेदारी है। नौजवान नस्ल को मुल्क के इकॉनमी के बारे में जो हमारा दावा है कि मुल्क की इकॉनमी को बेहतरी करने के लिए द ओनली की एजुकेशन हमने अपने बच्चों को, जब हमारा बच्चा मैट्रिक का इम्तहान देगा निकलता है उसने उस वक्त फैसला करना होता है कि अपने उसे बेटा अपनी लाइन का कौन सी लाइन तैयार करनी है, कौन सा शोबा तैयार करना है, उस वक्त तो आपकी रहनुमाई की जरूरत होती है। यकीनन वो असातिज़ा से रابطہ करते हैं, अपने जो उसके फेवरेट टीचर होते हैं बच्चे उनसे रابطہ करते हैं। हमारी गुजारिश आपसे ये है कि उस वक्त आप उनको इस अंदाज से गाइड करें कि जिनसे उन बच्चों का दुष्ट में सिक्योर हो। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जब एक बच्चा हाई अचीवर है तो हाई अचीवर को दूसरा की रहनमाई करेगी, वो हाई अचीवर पर लाइन को तैयार कर ले। डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहते हैं, इस तरह का लाइन तैयार करना चाहता है, वो जरूर बने। जनाब डॉक्टर इफ्तिखार शाह साहब, मोटा साहब, यासीन साहब, आप तारिक साहब को ये कहता हूँ कि काले धूप के नाले में बहुत सारा ऐसा मशीनरी है। मैं यहाँ ला चुका हूँ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अली जवान साहब को, जो बाबा है फूड टेक्नोलॉजी है, और उन्होंने भी तारीफ की है। लेकिन मुझे आप ये बताएं, शाह साहब आप बताएं कि यहाँ के फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का चेयरमैन कौन है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि वो इंजीनियर है या फूड टेक्नोलॉजिस्ट है। लेकिन ये बात तो इस बात पे आएगी कि कैसे आपने एनालिसिस करना है। मैं इस कॉलेज का बहुत खैर खा हूँ और इसको अपनी अहमियत देता हूँ, लेकिन बात रियलिटीज़ में होनी है। शाह साहब बताएं, फूड टेक्नोलॉजी का जो आपका सरबरा है, ही इज़ ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड साइंटिस्ट आर एन इंजीनियर, बताएं आप मुझे, आप बताएं ना। देखे ना, अब बात होगी रियलिटीज़ पे। आपकी माशाल्लाह कॉलेज की मैं आपसे ज़्यादा खूबियों का कायल हूँ। ये एफ का जो स्टाफ बैठा है, मैं इनका बड़ा मोतरिफ हूँ कि किसी कॉलेज में ऐसी चीज़ फैसिलिटीज दी है जिसके आपने दी है। ये है बात करने की, और ये आपका दान शाह साहब का है, आप लोगों का है कि आपने ये चीज़ें की। लेकिन इन चीज़ों का आप बिल्कुल जायज़ा लें, हम आपके साथ हैं, हम इसकी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। चूँकि यहाँ असातिज़ाए किराम बैठे हैं, तो मेरी जो गुफ्तगू होगी वो अपने इन नौजवानों के लिए, अपने बेटों के लिए होगी। कमी कोताही की मैं माफ़ी चाहूँगा असातिज़ाए किराम से। प्यारे बच्चों, आपके इल्म में होगा
कि अल्लाह करीम ने इंसान की ज़रूरत की हर चीज़ ज़मीन में छुपा दी है और ऊपर से ये कह के भेजा कि हमने इंसान को खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ बना दिया और आप वो बच्चे हो कि ज़मीन से निकलने वाली मादनियात खजाने उनको मोड़ करके उनको बना के उनको सवार के इंसानियत के लिए आसानी पैदा कर रहे हो। और बहुत दिल पसीर गुफ्तगू फरमाई और यकीनन अगर बात एक ही समझ आ जाए ज़िंदगी में तो काफ़ी है, तो बहुत खूबसूरत बातें फरमा रहे थे। अब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम डॉक्टर यासीन रंधावा साहब से, वो भी आज इस सेमिनार में अपने ख्याल का इजहार फरमाएँ। और इसी तरह से हमारे साथ मोहतरम अजहर बशीर साहब से वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तशरीफ लाए हैं, हम दिल के था कि राय साहब को खुश आमदीद कहते हैं। इस तरह से मोहतरम मोहम्मद जुल्फकार अली साहब, आप स्कॉलर PhD कर चुके हैं सर, या फिर स्कॉलर PhD यस इज डूइंग PhD, उनको भी वेलकम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर सैयद इफ्तिखार शाह साहब, डॉक्टर खालिद शौक साहब और दीगर मेहमानों को खुश आमदीद भी कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। शाह साहब ने एक बहुत प्यारी बात की कि टेक्निकल एजुकेशन ऑफ दोस्त, तो सबसे पहले जितने भी यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि यह बेसिक टेक्निकल एजुकेशन का मतलब क्या है। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत प्यारा शेर है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजा। तो जो लोग अपने हाथ से काम नहीं करते वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। देखिए हमारे लिए जो मशअल राह है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अपने कपड़ों को भी धोया, अपने हाथ से कपड़ों को सिया भी, अपना जूता भी सिया। तो अगर ये काम आपने किए हैं तो इसका मतलब है कि जो हाथ से काम करता है, जो हुनरमंद आदमी है, वो तबाए रसूल करता है और वो दुनिया का अजीम इंसान है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि हमारा जो कल्चर है वो पंजाबी है, हमारी बेस पंजाब से है। तो एक बहुत प्यारी बात है जो बुज़ुर्ग समझाते हैं और आपको समझनी चाहिए, वो कहते हैं कि कहने से करना अच्छा है, कि किसी को कोई बात कहना उससे बेहतर है कि आप कुछ कर लें। आपके लिए आपके माथे का झूमर होना चाहिए और आप टेक्निकल